मेरे ऊपर। ये इसके भी तीन हैं, ये तीन हैं, मैं दो छोड़ दूंगा। ये देखो, मैं वीडियो बना रहा था तो उस दौरान जो है कोई मोटरसाइकिल आया है या कौवा आया, ये डर की वजह से जो है ना ये मेरे से उड़ गया था, तो काफी यानी कि दूर चला गया था, कम से कम 2 किलोमीटर तक ये उड़ गया था। उसके बाद वहां पे हमारे इलाके में काफी दरख्त हैं, वहां एक दरख्त के ऊपर जाकर ये बैठा है, तो वहां पे जो बैठा है, शाम का टाइम था, बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, तो बहरहाल मैंने कोशिश काफी की है, मैं इसके पीछे भागा हूँ। भागने के बावजूद जो है काफी मैंने मेहनत की, एक दो अपने दोस्त को मैंने बुलाया है, तो मैंने कहा है कि यार मेरा मिट्ठू है, तो वो ऐसे ऐसे मेरे साथ वाक्य हो गया, तो वो मेरे से उड़ चुका है, तो आप मेहरबानी करें मेरे पास आ जाएं तो इनको ढूंढें। लेकिन हम आधा घंटा घंटा तकरीबन हम इसको ढूंढते रहे। उसके बाद जो है ये हमें जो है एक टाली का दरख्त था, बहुत ही बड़ा था, उसके ऊपर ये बैठा हुआ था। तो जब मैंने इसको देखा है तो बिल्कुल ऐसा ये खामोशी की, जैसे एक चीज डर की वजह से बैठी होती है, तो इस किस्म की वजह से ये डर की वजह से ये बैठा हुआ था वहां पे। तो वहां पे मैं इसको बुला रहा था, मेरे पास भी ये नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको काफी आवाजें लगाई लेकिन ये मेरे पास नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया है कि मैं उस दरख्त के ऊपर चढ़ा हूँ, वहां पे जाके मैंने इसको पकड़ा है। जब मैंने पकड़ा, लेकिन ये उड़ा नहीं है वहां से, जैसे मैं गया हूँ इसको मैंने आगे हाथ किया तो ये फौरन मेरे हाथ के ऊपर आ गया था। तो फिर मैं इसको घर में लेकर आया हूँ, तो मैंने कहा है कि अब शाम का टाइम है, रात का टाइम है, तो अब जो है इसके मैं फेदर मत काटूं, तो इंशाल्लाह इसके फेदर कल मैं काटूंगा, तो अपने व्यूअरों के साथ भी शेयर करूंगा ये बात कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, ये मेरे साथ जो है फेल हुआ है। अब जो है मैं इसके पहले कुछ फेदर काटे हुए थे तो, लेकिन ये ऊपर से थोड़े से और नए आ चुके हैं, तो ये आप जो है ना काफी उड़ान कर सकता है, तो अब मैं इसके फेदर काटूंगा। आप दोस्तों के पास भी तोता है तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप इसके जो पंख हैं किस तरीके से काटें और ये बुरा भी नहीं लगे, ये उड़ भी नहीं सके, और इसके पंख काटना, इसके जो पंख काटना भी बहुत ही जरूरी पड़ जाता है, नहीं तो बस कल पता नहीं जो मेरे हाथ में ये कैसे लग गया है, नहीं तो ये मेरे हाथ में कभी भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उड़ गया था, तो मेरी सोच से भी ज्यादा ये चला गया था। तो फिर शाम का टाइम था तो अंधेरा हो गया था, मुझे नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल बड़ी मेहनत के बाद मैंने इसको ढूंढ लिया था। तो अब मैं इसके पंख काटूंगा क्योंकि दोबारा ये नहीं उड़ सके, यानी कि उड़ना भी चाहे तो थोड़ा सा ये उड़ सके, लेकिन इससे ज्यादा जो है ये बिल्कुल भी नहीं उड़ पाए, क्योंकि ये जितना ज्यादा उड़ेगा तो ये हमारे हाथ में नहीं लगेगा। लेकिन ये तो हमारा पहाड़ी तोता था, बहुत ही ज्यादा हमारे हाथ का आदि था, जो ये हमारे हाथ पे दोबारा आ चुका था, लेकिन ये हमारे हाथ का आदि नहीं होता तो ये हमारे हाथ में नहीं लगता। तो चलें आपको भी मैं तरीका बताता हूँ, आप भी अपने तोते के पंख काटें तो किस तरीके से काटें। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास कैंची है तो कैंची की मदद से मैं जो है इसके पंख काटूंगा। तो आपके पास दूसरा बंदा है तो वो बेहतर है इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि अकेले से थोड़ा मसला होता है, ये थोड़ा सा यानी कि बैठ करने का भी खतरा होता है, लेकिन मैं अकेला हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं आपको इसके फेदर काट कर दिखाता हूं। अच्छा, आपने काटने हैं इस तरीके से, आपने काटने हैं कि इसके दो पंख जो सेट वाले हैं आपने छोड़ देने हैं, जो कोने पे हैं, तो वो दो उस सेट पे और दो उस सेट पे आपने छोड़ देने हैं, फिर जो है इसकी खूबसूरती भी नहीं जाएगी और हमारा तोता उड़ भी नहीं सकेगा। तो हम कुछ इस तरीके से काटेंगे, आपके भी काटूं तो इसके पंख भी तो देखें, इसके पंख भी तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हैं, लेकिन इसके मैंने नहीं काटे हैं, ये कभी भी मेरे से नहीं उड़ा है, ये थोड़ा सा हुशियार है, शैतान है, तो ये कल मेरे से उड़ गया था। अब इसके पंख चेक कर लें, ये कौवे आते हैं ना, आवाज सुन रहे हैं ना, ये कौवे से बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं और कौवे की वजह से ये भागना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये कौवे की वजह से इधर उधर ये उछल रहे हैं, सिर्फ कौवे की वजह से ये जो हैं डरते हैं यहाँ पे। बकाया ये तो बहुत ही मेरे हाथ के भी आदि हैं, अब भी ये कौवे की वजह से थोड़े से उड़ गए थे तो, लेकिन ये घर में थे लेकिन ये कहीं नहीं गए, लेकिन आवाज आ रहा है आपको ना, ये कौवे से बहुत ही ज्यादा जो है ये डरते हैं।
तो चले आ जाएं, बस अभी बात को छोड़ें क्योंकि खतरे की बात है, अभी जो है मैं तेरे पंख काटूंगा, तो ये सब्र करें। ये मेरे पास कैंची है, ये थोड़ा मुझे तंग तो बहुत ही ज्यादा करेगा। ये देखें, ये इसकी सब्र मिटू, ये देखें थोड़ा सा ये डर रहा हुआ है ना, इसकी वजह ये थोड़े से मैंने काटे हैं लेकिन ज्यादा मिट्टू, ये थोड़ा कैंची की वजह से डर रहे हैं। ये अब जो है मुझे तुम्हें ये कुछ मैंने इसके पंख यहां से काट दिए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा डर रहा है, यानी कि ये देखें मुझे बैठ कर रहा था। ये कुछ मैंने इसके पंख जो है ना देखें, कुछ इस तरीके से मैंने काट दिए हैं, तो ये थोड़ा सा डर गया था क्योंकि इसको फौरन पकड़ना और ये करना ना, ये बहुत ही ज्यादा डर महसूस करते हैं। मेरा तो आज दिल करता है कि मैं इसकी एक और भी पंख, हाँ यहाँ पे ज्यादा है, ये देखें सबक अब मिट्टू, ये देखें ये मैंने काट दिया इसका, क्योंकि ये कल मेरे साथ इसने बहुत ही ज्यादा, ये भी मैंने काट दिया। अब देखें बहुत ही बड़े बड़े जो हैं मैंने इसके फैदर काट दिए हैं, ये देखें ये फूल तो डर तो गया है, ये देखें ये तो अब जो मैंने काटा है ये थोड़ा बहुत उड़ पाएगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं उड़ पाएगा जितना ये कल मेरे से उड़ा था। तो ये इतने बचाना जो है, ऐसे होता है कि बिल्ली कोई चीज इनके ऊपर हमला करती है तो ये अपनी जान बचा सके। काफी बड़े बड़े पंख हैं, ये देखें इसका भी प्रेशर काफी बढ़ रहा है, ये देखें ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, ये भी उड़ने की कोशिश करेगा तो ये भी हमारे हाथ पे। सबर मैं भी इसके थोड़े चेक कर लो, सबर सबर कर, ये इसके भी तीन हैं, सबर ये तीन हैं, मैं दो छोड़ दूंगा, ये देखो ये देखें फौरन इसने तो कैंची को पकड़ लिया था। ये देखें इसके भी हेड के तीन छुटे हुए थे, तो अब जो है मैं तीसरा इसका काट दूंगा क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा जो है प्रेशर बढ़ रहा था, इसकी वजह से ये उड़ जाते हैं। तो यही तरीका होता है इसके पंख काटने का, कोई मुश्किल नहीं होती है, बिल्कुल खुद काट सकते हैं, लेकिन मैंने तो अकेले काटे हैं, लेकिन आपने बंदा साथ में रखना है, आपने पूछ इसको इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे एक बंदा इसको पकड़ेगा और दूसरा इसके पंख जो है काटेगा। ये देखें तो ये कपड़ा कोई तौलिया कोई ऐसी चीज आपने साथ रखना है, नहीं तो ये हाथ पे आपको बाइट कर सकता है, तो आपने बिल्कुल ऐसी चीज से बिल्कुल भी दूर रखना है, इसको बचाना है। तो व्यूअर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बटन को हमेशा की तरह प्रेस करें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।